गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अगेन वेलकम इन बायो क्लास। होप यू ऑल विल अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी केयरफुली। सो टुडेज टॉपिक अबाउट कैंसर। बिफोर स्टार्ट कैंसर, वी इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम और एड्स, AIDS मीन्स हेयर you have read about AIDS and how to spread AIDS virus. There is one terms we discuss here. The diagnosis is done by cancer AIDS diagnosis is called as, or test of AIDS virus is ELISA, ELISA. Enzymes linked immunosolvent assay. This is the test which is used, the process of diagnosis of AIDS. Clear student? The person who are affected by AIDS, it should be multiple sexual partner, and the person who is affected AIDS should be drug addicted, or there are some symptoms, or some persons which can suffer from AIDS. So life cycle of AIDS virus is a replication of retrovirus. Here we have used retrovirus. The meaning of retrovirus is the virus basically DNA cell, it's a copy RNA cell, but here RNA copy DNA. RNA क्या copy करके क्या बनाता है? DNA. That's the reason it is called as retrovirus. Clear? So life cycle of HIV means, first after getting into the body of person, the virus enter the macrophages. Virus कहाँ पर enter हुआ? Macrophages. Here RNA is replicate and to form viral DNA. यहाँ पर RNA ने replicate का होके क्या बनाया? कौन सा DNA बनाया? Viral DNA. ठीक है? किसके presence में? The enzymes reverse transcriptions. तो enzymes जो reverse transcriptions है, वो enzyme में कभी कभी एक term आता है, write the name of enzyme which used in AIDS virus. AIDS virus को multiply करने के लिए कौन से enzymes की requirement होती है? It is enzymes reverse transcription. कौन सा है ये? Reverse transcription. Third point इसका ये है कि the viral DNA now get incorporated into host cell of DNA and direct the infected cell to produce virus. Clear? The macrophages आपने read किया हुआ ना? Macrophage cells, आप blood का जब structure read करोगे तो आपको macrophage cells form हो जाएंगे. The macrophages continue to produce virus particles and hence act like a HIV factory. Clear? Here virus particles enter T lymphocytes, TH cell into the blood, where they continue replicate and produce viral progenies. T cell को सबसे पहले AIDS virus जो है ख़त्म करता है. T cell क्यों important है? It is helping cell. It help to produce antibiotics. ठीक है ना? जो antibodies को produce करने में ये help कर रहा है. The number of helper T lymphocytes progressively decreases in the body of the infected person. So these are the life cycle or replication of retrovirus. कि वो किस तरीके से फैल रहा है और स्प्रेड हो रहा है. फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है बुक में. सी दिस फिगर, दिस वन. क्लियर स्टूडेंट? इस फिगर को आप देख सकते हो. नाउ ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर कोई भी HIV का कोई भी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है, बट एंट्री रिट्रोवायरल ड्रग्स का यूज़ किया जाता है. एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो कि इसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए, पेशेंट में
HIV वायरस को प्रिवेंट करते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, और वो उनके मतलब जब वो वायरस का स्प्रेड होता है उसके पहले उनकी डेथ हो जाती है किसकी, वायरस की। प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से मेजर्स और हमको कौन कौन सी सावधानियाँ रखना है, एज नो क्योर और नो प्रिवेंशन ऑफ बेस्ट, बेस्ट ऑप्शन क्या है इस पर कि कॉन्शियस रहना है, ठीक है। जितने हम कॉन्शियस रहेंगे और इजली उसकी नॉलेज होगी उतनी ही ज़्यादा हम इससे सेव हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है नाको, NACO, नेशनल एड्स ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली जो 1991 पर इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और दूसरी NGOs हैं, बहुत सारे NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पीपल को एड्स के लिए एजुकेट करते हैं, तो उनका एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड वन, WHO हैव स्टार्टेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शंस, उसे बहुत सारे इसके प्रोग्राम्स चलते रहते हैं कैसे इसको रोकना है। फर्स्ट, मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक सेफ, ब्लड बैंक प्लेयर से यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है तो वो सेफ तरीके से होना चाहिए। सेकंड, फ्री डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। थर्ड, कंट्रोलिंग ड्रग्स एब्यूज, ठीक है। फोर्थ वन, अवॉइडिंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, क्लियर। दीज आर सम प्रकॉशंस विच पर्सन शुड टेकन। नाउ सेकेंड डिजीज इज कैंसर। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग एंड मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। कैंसर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे जो डेथ होती है वो कैंसर के कारण होती है, ठीक है। मोर देन मिलियंस इंडियंस सफर फ्रॉम कैंसर एंड लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट्स एनुअली। पूरे यदि एक एनुअली इनकी डेथ रेट देखा जाए तो कैंसर से बहुत ज़्यादा है। द मैकेनिज्म दैट अंडरलाइन डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक, ये टर्म्स आप लोग लर्न करोगे, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। कैंसर किसको कहते हैं, विदाउट कंट्रोल जब सेल मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। अभी भी इसकी रिसर्च चल रही है इन अवर बॉडी। अब ये इस वर्ड को आप, वी हैव टू अंडरस्टूड ऑन्कोजेनिक, what is the meaning of this term? In our body, cell growth and differentiation is highly controlled. जब हमारी growth होती है और हम, आप लोगों ने देखा ना कि पहले growth होगी, ठीक है, फिर adolescence age आएगी, फिर reproductive age आएगी, ठीक है, फिर old age आती है। तुम लोगों ने एक generally animals के और living organisms के जो life है वो तीन फेज पर रहती है, ऑलरेडी यू हैव रीड। तो वो जो सेल ग्रोथ होती है और डिफ्रेंशिएशन होता है कि किस सेल से कौन सा ऑर्गन फॉर्म होगा, इट इज़ हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेट, एकदम प्लानिंग के साथ होता है, कंट्रोल्ड वे में। बट इन कैंसर सेल देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। कैंसर सेल वो सेल होती हैं जब उनकी ग्रोथ रेट और डिफ्रेंशिएशन पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। नॉर्मल सेल शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नॉर्मल सेल में एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही वो दूसरी सेल को टच करते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं, ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट अनदर सेल इनहेबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। जैसे भी दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में है कि यहाँ पर कोई दूसरी सेल है, तो उसकी जो ग्रोथ है वो इनहेबिट मतलब रुक जाती है, और दिस इज़ अनकंट्रोल्ड, और ये नेचर जो है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोकता है। बट इन केस ऑफ कैंसर सेल, कैंसर सेल अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। कैंसर सेल में
जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। जैसे ऑटो इम्यूनिटी में आप लोगों ने रीड किया है कि सेल्फ सेल का रिकॉग्नाइजेशन कम ख़त्म हो जाता है, इसी तरीके से कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी सेल में होती है नॉर्मल सेल में वो लॉस्ट हो जाती है। एज अ रिजल्ट कैंसर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड एंड गिव्स राइज अ मासेस ऑफ सेल। जब ना कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस्ट हो गया तो वो सेल अब कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, दूसरी सेल के ऊपर ओवरलैप कर लेंगे, फिर तीसरी और साइड की सेल को ओवरलैप करते जाएंगे, और ये हाईली सफरर सेल होती हैं तो दूसरे हेल्दी सेल को भी ये इफ़ेक्ट करती जाती हैं, फिर वो अनकंट्रोल ग्रोथ करना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से एक कैंसरस सेल्स जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड और गिव इन राइज अ मास ऑफ सेल, इट इज़ कॉल्ड एज ट्यूमर। तो ट्यूमर क्या है? ट्यूमर इज अ मास ऑफ सेल विच ग्रो विदाउट कंट्रोल बिकॉज सेल ऑफ द कैंसर सेल और ऑन्कोजेनिक सेल लॉस्ट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्लियर? वॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल? कैन यू राइट? द कैंसर सेल इज और कैंसर सेल इज कॉल्ड ऑन्कोजेनिक सेल एंड दी सेल लॉस्ट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी दैट्स इट्स अपीयर और इट्स ग्रो कंटिन्यूसली विदाउट कंट्रोलिंग और रेगुलेशन दैट्स इट्स फॉर्म अ मास ऑफ सेल विच इज कॉल्ड ट्यूमर सेल। नाउ ट्यूमर सेल से दो तरीके के होते हैं ट्यूमर सेल, फर्स्ट इज बिनेग्न ट्यूमर, सेकेंड इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। ट्यूमर की दो टाइप्स हैं, फर्स्ट बिनेग्न, सेकेंड इज मैलिग्नेंट। बिनेग्न ट्यूमर इज अ दोज ट्यूमर विच रिमेन कन्फाइंड देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड नॉट स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये वो है जैसे फॉर एग्जाम्पल्स एक कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं जैसे स्टमक का ट्यूमर जो स्टमक बस में ही रहेगा और आगे ग्रो नहीं करेगा, दिस इज कॉल्ड एज बिनेग्न ट्यूमर। सेकेंड वन इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर इज मास प्रोलीफरेटेड सेल, मास मतलब सेल बढ़ती जा रही हैं, मास ऑफ प्रोलीफरेटेड, मास ऑफ प्रोलीफरेटेड सेल। ठीक है, क्या कर रहा है ये? आगे भी बढ़ता जा रहा है। इट इज कॉल्ड नियोप्लास्टिक। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, बेसिकली मैलिग्नेंट ट्यूमर बेसिकली उसमें क्या इस पर वो होती है, वो कंटिन्यूसली फैलता रहता है। ठीक है ना, एरिया भी अपना क्रॉस कर लेता है, जिस एरिया से स्टार्ट होता है दूसरे एरिया को भी कवर करने लगता है, और दिस इज कॉल्ड एज नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल। इसका एक और टर्म है नियोप्लास्टिक। ये टर्म्स जो हैं आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, पूरी बायोलॉजी टर्म्स के बेस पर है। ये आपको टर्म्स पता है, यू कैन राइट और यू कैन एलोबरेट इट, उसको आप और बढ़ा सकते हो, उसके पॉइंट्स बढ़ा सकते हो, लेकिन टर्म्स ही नहीं पता तो आपका फर्स्ट पॉइंट ही रॉन्ग हो जाएगा। सो टर्म्स आप लोगों को लर्न करना है। ठीक है, एक और टर्म आया है नियोप्लास्टिक। नियोप्लास्टिक क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की जो सेल्स होती हैं वो अपना एरिया टच करके एरिया को से और आगे वाले एरिया में स्प्रेड हो जाती हैं। हाँ, ओके स्टूडेंट, सो वेयर आई थिंक देयर आर सम टू और थ्री सेकेंड और टू और थ्री मिनट वेयर यू कांट हियर माय लेक्चर, अगेन आई विल रिपीट इट। सो वी आर सेइंग अबाउट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल, मीन्स नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो ग्रो करती है, जैसे ही दूसरी सेल के कॉन्टैक्ट में आती है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। बट जो कैंसर सेल होती हैं, कैंसर सेल हैव लॉस्ट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी का लॉस कर देती हैं, दैट्स अ रीज़न क्या प्रॉब्लम होती है, ये एरिया में
विदाउट कंट्रोल्ड ग्रो करने लगती हैं, क्लियर, और कंटिन्यूसली मास ऑफ सेल फॉर्म कर लेती हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूमर। तो ट्यूमर अनकंट्रोल्ड सेल है का एक ग्रुप है, मास ऑफ सेल है, इट इज शो और अपीयर इन फॉर्म ऑफ ट्यूमर। सो देर आर ट्यूमर मे बी टू टाइप, फर्स्ट मे बी बेनिग्न ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिग्न ट्यूमर इज बेसिकली दोज ट्यूमर इज कॉल्ड बेनिग्न ट्यूमर वेयर कैंसर्स आर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट। अब एक ही जगह पर ये ग्रो करती रहती हैं और दूसरे पार्ट पर टच नहीं होती हैं, ठीक है। और बॉडी का बहुत, इससे क्या होता है, बॉडी का लिटिल डैमेज होता है, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वो ट्यूमर है जो सेल अपना कन्फाइंड एरिया को भी क्रॉस करके और दूसरे एरिया में फैल जाती है, दिस इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की जो सेल होती हैं इट इज़ कॉल्ड एज नियोप्लास्टिक। तो यहाँ पे नियोप्लास्टिक टर्म्स आया है जो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि क्या है ये। तो नियोप्लास्टिक सेल वो सेल है जो मास ऑफ प्रोलिफरेटेड सेल और ये एरिया को, अपने एरिया को क्रॉस करके दूसरे एरिया पे भी फैलती जाती है। मींस दिस सेल ग्रो वेरी रैपिडली इन्वेडिंग एंड डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज, और जो नॉर्मल टिश्यूज सराउंडिंग्स जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं उनको ये डैमेज करती जाती हैं और कंटिन्यूसली आगे ग्रो करती जाती हैं। दिस सेल एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, दे ऑल्सो सर्व नॉर्मल सेल बाय कॉम्पिटिटिंग फॉर वायरल न्यूट्रिशंस। और ये नॉर्मल सेल को क्या करती जाती हैं, पूरी तरीके से डैमेज करती जाती हैं और उससे जो इसका वायरस होता है कैंसर का, ठीक है ना, वो उसको न्यूट्रिशन मिलता जाता है और वो ग्रो करता जाता है, वायरल न्यूट्रिशन फॉर्म में करता जाता है। सेल स्लॉटेड फ्रॉम सच ट्यूमर्स रीच डिस्टिंक्ट साइट्स थ्रू ब्लड, इस तरीके से ये धीरे धीरे ब्लड पर भी क्या कर जाता है, स्प्रेड हो जाता है। वेन एवर दे गेट लॉग्स इन द बॉडी दे स्टार्ट न्यू ट्यूमर, जिस भी फ्रेश एरिया पर जाएगा वहाँ पर न्यू ट्यूमर फॉर्म करने लगता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, एक और टर्म आया है, अपने एरिया को छोड़कर और दूसरे एरिया पर ग्रो करना, इट इज मेटास्टेसिस। क्या टर्म है, मेटास्टेसिस, क्लियर। और ये सेल की जो प्रॉपर्टी है इट इज नियोप्लास्टिक ट्यूमर, ठीक है। तो बेनिग्न ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, नाउ यू हैव क्लियर इट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉजेज ऑफ कैंसर। हेयर वन और टू पॉइंट्स आई विल गिव यू, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेनिग्न ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। फर्स्ट, बेनिग्न ट्यूमर इज अ, इट इज़ नॉन कैंसरस ट्यूमर, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर इज अ कैंसरस ट्यूमर। बेनिग्न ट्यूमर डज नॉट शो मेटास्टेसिस, बेनिग्न ट्यूमर में मेटास्टेसिस शो नहीं होता है, ठीक है। एंड नॉन इन्वेंसिव, आगे के या फ्रेश न्यू एरिया में ये इन्वेंसिव नहीं होता, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स इट शो मेटास्टेसिस एंड इन्वेडेड अदर बॉडी पार्ट्स। बेनिग्न ट्यूमर इट इज स्टॉप ग्रोथ आफ्टर रीचिंग द सर्टेन साइज, अपने एरिया को कवर करने के बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स इट शो इनडेफिनेट ग्रोथ एज प्रोलीफरेटेड सेल कॉल्ड न्योप्लास्टिक और ट्यूमर सेल ग्रो रैपिडली इन्वेडेड एंड डैमेज अदर टिश्यू, क्लियर। बहुत डेंजरस होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, क्लियर। सो दिस इज द, इट इज फिटल फॉर द बॉडी, और जो बेनिग्न ट्यूमर है इट इज़ लेस फिटल, नुकसान तो पहुँचाता है लेकिन कम। नाउ देयर इज बेसिक सम पॉइंट्स आई विल डिस्कस हियर। ऑन्कोजेनिक वायरस, इसका जो वायरस का नेम है वो इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर ही है, द नेम ऑफ वायरस इज ऑन्कोजेनिक वायरसेस, ऑन्कोजेनिक वायरस, वायरस डिजीज है, इसको होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सेकेंडली, नॉर्मल सेल हैव जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजेनिक और प्रोटो ऑन्कोजेनिक विच आर प्रेजेंट इन
इनएक्टिव स्टेट क्या होता है कि नॉर्मल सेल में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ क्यों नहीं है, ये इनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जीन, उस जीन का नाम क्या है, सी ओ एन सी, सी ऑन्कोजेनिक, ठीक है, और प्रोटो ऑन्कोजेनिक, ये इनएक्टिव स्टेट पर रहता है, इसलिए ये कंट्रोल्ड ग्रोथ करता है। लेकिन जब ये एक्टिव हो जाता है सर्टेन कंडीशंस लाइक म्यूटेशन, म्यूटेशन आप लोगों को पता है ना, अचानक से जीन्स का बिहेवियर चेंज हो जाना, ठीक है। सो ये जो अनकंट्रोल्ड और अनएक्टिवेटेड जो इनएक्टिवेटेड स्टेट थी वो इट्स ट्रांसफॉर्म इनटू कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजेंस, वो एक कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजेंस में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ये सेल कंटिन्यूसली ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं और इट मे फॉर्म विनेट ट्यूमर और इट मे बी फॉर्म मैलिग्नेंट कैंसर। सो आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, इट विल बी अबाउट कॉज ऑफ कैंसर। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस।